दोस्तों आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारा इंडिया परिवार के सिलसिले में और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सिलसिले में। यूं तो सारा इंडिया इनके इन्वेस्टर्स बहुत दिनों से नहीं बल्कि सालों से अपने पैसे यानी कि प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जो मैच्योरिटी अमाउंट का इंतज़ार कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सारा इंडिया परिवार बहुत ही सारा इंडिया परिवार में बहुत सारे लोगों का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है, और पैसा इन्वेस्टमेंट होने के कारण जो है लोग अपनी मैच्योरिटी अमाउंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि जब वो सारा इंडिया परिवार के ऑफिस से पहुँचते हैं, उनके एजेंट्स से मिलते हैं जिनके द्वारा उनका पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया था, ऐसे में यही रिस्पॉन्स होता है कि सारा इंडिया परिवार और सेबी के बीच में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये केस चल रहा था हाई कोर्ट में, अब वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक जो है सारा के इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट है। और सारा के जब इन्वेस्टर्स दफ्तर जाते हैं तो बहुत से दफ्तर को बंद मिलते हैं, और जो इन्वेस्टर्स जो ऑफिस खुले हुए हैं उन पर यही रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स को ज़्यादातर दिया जाता है कि आपका पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ रहा है, आपका मैच्योरिटी अमाउंट बढ़ रहा है, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको जल्द जो है पैसे मिलेंगे या आपको मैच्योरिटी अमाउंट जल्द मिलेगा, वो वहाँ से लोगों को इस प्रकार से जो है बोला जाता है। सारा इंडिया परिवार के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को लेने के लिए को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि वो उनको जल्द से जल्द पैसा उनका मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं उनके इस पैसे पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में सहारा इंडिया परिवार में जो लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट है, लोगों की एक ही मांग है, एक ही नारा है, सहारा इंडिया परिवार पैसा उनका वापस करो इन्वेस्टर्स का। मिलते नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।